हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अली फैमिली व्लॉग्स। मेरे हाथ पे लगा था ये काजल जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो गाइस, आज हमने नया व्लॉग स्टार्ट किया है और आज है हम दोनों अम्मी और मैं तैयार है, बैठे हैं रात के 12 बजे। अब आप लोग सोचेंगे ये लोग पागल वागल लेके, नहीं गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि हम काम के साथ साथ अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ को भी मैनेज करते हुए चलते हैं। तो अभी तो रमजान चल रहा है, जैसे कि हम लोगों का रोजा था, उसके बाद हर चीज करना चाहिए, सब कुछ करना पड़ रहा है, नमाज भी है, सब कुछ सारा चीज सब कुछ करना है। तो फिर इसलिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर से आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब हम लोग गए हुए सब इफ्तार के लिए, उसके बाद हम लोग गए थे सैलून, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। उसके बाद मुझे इतनी ज्यादा नींद आई थी, उसके बाद मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था तो मैंने अपने पैर गर्म पानी में रखे, फिर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर अम्मी रेडी हुई, हम दोनों ने कपड़े चेंज किए, एक्टिव हुए, और फिर उसके बाद अभी हमारा थोड़ा बहुत मतलब ये हुआ कि चलो हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम एक शूट करने वाले हैं जो कि पता नहीं, मुझे इसका बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, बात नहीं है, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको मेरे मेन चैनल पर पता चलेगा कि वो पता नहीं कैसा बना है, क्या बना है, वो तो आप देख लेना, वो मेरे मेन चैनल सामने लिख जाकर। और अभी तैयारी हो रही है शूट की, क्योंकि हम इस यहाँ पर बैठ करेंगे तो ये चेयर लग गई है, एक ये और एक ये इधर, तो बस देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होता है आज। हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके बाद मुझे रेस्ट करना, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गाइस, तो अब हम लोग आपको मिल रहे हैं काफी टाइम बाद, और आज हम जाने वाले हैं ईद की शॉपिंग के लिए, और बच रहे हैं अभी 5, तो चलो चलते हैं जल्दी से और ईद की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मेरी शॉपिंग नहीं हुई, अम्मी की नहीं हुई है। हम यार मतलब बहुत सारी चीजें बाकी है अभी, और ईद में सिर्फ 9 दिन बचे हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारा। हमने सोचा कि चलो आज निकलते हैं और कैसे भी शॉपिंग करके आते हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आज जाएंगे, लेकिन नहीं, अब हम डिले नहीं कर सकते हैं। और ये रिक्शा के पैसे जो है वो मेरी पॉकेट में डल गए हैं, और क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है अपनी कार की तरफ, इसलिए ये मैं बैग से व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा इधर उधर देख रही हूँ। तो अभी मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि घर में हम लोग पापा रहने, पानी भी रख लो और कुछ रख लो मम्मी, भूख लग रही है। गाइस, घर में हम लोगों के कुछ लोग और रहने वाले हैं, तो उनके लिए इफ्तार, अम्मी सारा कुछ करके जा रही है प्रेप, ये देखो सारा कुछ डन है, ताकि किसी को मेहनत ना लगे। और जो बाकी रोजेदार है जो बचे हुए, तो हम लोग तो भाई अपना रोजा पता नहीं कैसे खोलने वाले हैं, बाकी रोजेदार जैसे कि मिमसी, ये देखो, ये देखो अभी एंट्री हुई है। गाइस बस अब चलो, अब हम लोगों ने इफ्तार तो रख दिया सारा, अब हम लोगों के लिए अपने, हम लोगों ने सिर्फ पानी रख लिया, और हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर कर लेंगे इफ्तारी, कहीं पे कर लेंगे रुक कर या कहीं पर गश करके, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। और पता नहीं मिमसी ना 1 घंटे से इसी पोज में ऐसी खड़ी होकर पता नहीं क्या देख रही, समझ में नहीं आ रहा। मिमसी अब चलो, हम लोग जैसे ही निकलते हैं मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी, चलो निकलेंगे। अब हम थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद निकलेंगे, इसलिए अभी आपको नहीं बता रही हूँ। चलो हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और हम लोगों को आने में टाइम लग गया, इतना भी नहीं लगा कि हम टाइम पर पहुंच गए। अभी थोड़ा 6:40 रोजा भी खुल चुका है, अभी हमने खोला नहीं है, मतलब अभी हमें लेना पड़ेगा, पानी की बॉटल ले लिए वो लेते हैं पहले। और ये देखो ऊपर प्लेन जा रहा है जिसमें मैं बैठी हूँ, कुछ भी पानी लेंगे हम लोग ताकि रोजा खुल सके। यार मेरे को भूख लग रही है, लेकिन कब चलेंगे गाइस? ये देखो अभी हमने देखा वैसे कुछ जगह पर, हमें कुछ नहीं पसंद आया, अब पसंद आया पर अभी हम देख रहे हैं ऊपर का कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लू ब्लू। जल्दी से पानी पी लेते हैं, पहले पूछ लेते हैं एक बार पूछ लेते कॉल करके। हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं अभी टाइम हुआ या नहीं हुआ, वैसे हो चुका है, 6:44 पे होता है ना, तो अभी हो चुका है टाइम। सिर्फ रोजे में ना मुझे सबसे ज्यादा प्यास नहीं लगती है, मुझे लगती है भूख, क्योंकि आजकल मौसम ही इतना सही है तो सबकी क्या प्यास लगेगी, बाहर इतना अच्छा, इतनी अच्छी सही हवा चल रही है ना। अभी पी लेती हूँ पानी। हमने रोजा खोल लिया, अब हम देखते हैं हमें कहाँ पर खाने के लिए जाना है, पहले हम देख रहे हैं कि कुछ शॉपिंग कर ले उसके बाद जाए, क्योंकि टाइम निकल जाता है ना, तो फिर हम कुछ नहीं ले पाते। ये वाला कलर भी पिंक तो तुम्हारे पास था ना पहले, ये वाला मैं बोल रही हूँ लेने के लिए, इसकी पसंद ऐसी ही है तुम्हारे लिए भाई, इसकी पसंद ऐसी ही, पॉकेट वाला जो है ना वो। कई बाल भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये बाल मैं ईद के लिए लेने वाली हूँ, ये बाल मुझे लगता है मुझे लगा देना चाहिए अपने लिए, तो मैं अभी आने टाइम जाने टाइम में ये लेकर जाऊंगी। यहाँ कुछ खाए भी नहीं है, सिर्फ पानी पी के हैं, अभी तक हम लोग प्यास से पानी तो मैं, और कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला, कोई जगह भी नहीं मिली जो खा सकते हैं। अभी यहाँ पर समरीन देख रही है, हाँ अच्छा लग रहा समरीन, अब देखती हूँ मैं मेरे को भी कुछ मिल जाए।
तो समरीन बता, तुम्हारी ड्रेस क्यों नहीं मिली? गाइस मेरी तो नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी की ड्रेस मिल चुकी है वहाँ से, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम अपना लास्ट ईयर था ना ईद का, वो मिल गया है। उसके बराबर भी एक कैफे था, तुम लोग वहाँ पे आ गए खाने के। भाई साहब इतनी हालत खराब हो गई ना, मैं तो ले लिया कि फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अम्मी ले लिया, अम्मी का हो गया, अब डन है, अब अम्मी को आना नहीं पड़ेगा। अम्मी को और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो अम्मी अपना ऐसे ले लेंगे। सही है, अम्मी को बार बार आना नहीं पड़ेगा, मूवी से एक बार आना पड़ेगा जिस दिन फिटिंग वाला देखना। सबने को भूख लग गई है, तो भूख लग गई गाइस, हमने इफ्तार नहीं किया था। मैं तो भाई बस पीने का, मेरे को भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पिज्जा मंगा। खाना पीना हो गया, लेकिन शॉपिंग का टेंशन है ही है। टेंशन तो अब नहीं है, मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं से ले ही लेना है, तो टेंशन किस बात की है। सब इस पे पता है कमेंट में क्या लिख रहा है, सिस्टर मिनी को प्रपोजल भेजो। कितनी खुश है, कितनी खुश है ये, क्यों तुम्हारी ईद की ड्रेस? भाई देखो पहले से तो चला के करके रखता है गाइस, मैंने पता है अपनी शॉपिंग पहले ही कर ली। रमजान में मैंने बस लिया है अपना वो मेन आउटफिट फर्स्ट डे का, बाकी मैंने पूरा पहले ही कर लिया था कि मुझे प्रॉब्लम बैकअप में रखती हूँ ताकि बाद में ना मिले तो इतनी टेंशन ना हो। लेकिन ये लोग मुझे बोलते हैं शॉपिंग करती है, शॉपिंग करती है, खाली शॉपिंग करती है। अब देखो दोनों भटक रहे हैं ना, हंसी आ रही है दोनों पे, तरस आ रहा है बेचारी इस पे सबसे ज्यादा। मुझे लेकिन नहीं आ रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसको अभी भी कोई नहीं मिले, मिले नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हाँ जो भी दिया था, हाँ तो मेरा दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों एकदम से, टेंशन से। गाइस आज है लास्ट फ्राइडे, अलविदा जुम्मा है आज रमजान का, और अलविदा जुम्मा मुबारक। अब आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे हो तब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि रमजान जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोगों को बहुत दुख है क्योंकि रमजान का महीना जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ईद भी आ रहा है, लेकिन ईद की खुशी है, लेकिन फिर भी रमजान की बात अलग होती है। लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमें रमजान मिले सबको। तो बस अभी हम लोग मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग के लिए ईद की, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या समरीन का मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं बस ऐसे ही जा रही हूँ, पता नहीं क्यों जा रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का बाहर, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है कि समरीन का आज कपड़ा मिल जाए। तो चलो गाइस देखते हैं अभी पता नहीं क्या होता है, मैं जाती हूँ बाहर, अगर मुझे मैं हुआ तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी, नहीं हुआ तो फिर आप लोग घर का देखना। अम्मी नहीं जा रही है और हम लोग जा रहे हैं सिर्फ क्योंकि मुझे लेना अम्मी की तो शॉपिंग हो गई है। मेरे बाल में आग लग गई थी कल रात, ये थोड़ा और हंस रही थी 100 बार उसके बाद पागल की तक प्राउड की बच गई ना, इसलिए हंस रही थी कि खुशी में, नहीं तो आग लग जाती फिर मेरी ईद भी नहीं बनती, मर मर जाती मैं फालतू। आज अम्मी का कपड़ा लेके यहाँ, ये तुम्हारा ये है, अपना तो ले ली, अपना तो ले लीगा, पसंद नहीं आता उसको, तुम उसका सोची। तो आज इफ्तारी की दावत है सबकी, तो यहाँ पे फ्रूट आ गए हैं और देख सकते हैं खजूर, पापड़ सारा कुछ आ गया, रात के लिए मंगाए हैं। तो चलिए अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। आंटी यहाँ पे पकौड़े तल रही है, मजा आ जाता नहीं तो पीने में। मम्मी तुम क्या कर रही हो? हम चाट बना रहे हैं रमजान शरीफ के, इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं, लोगों को बुला आप क्या कर रही हो? इफ्तार पे ज्यादा ही नहीं डाल दिया आपने? आंटी ने बोला है जितना उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ज्ञान भाई द मास्टर शेफ, क्या कर रहे हो आप? क्या वाटरमेलन काट रहे हो? खरबूजा, इंग्लिश में बोले तो वाटरमेलन। और एक तो टाइम दिखाता हूँ, रुकिए मैं आपको टाइम देखिए बिल्कुल। और घर में दो लोगों की कमी है, आपको कोई दिखा? मतलब दो लोग तो कोई कम है, बहुत लग रही है भाई अब आजकल, अब रोजे लग रहे हैं, अब शायद आ गई है सम्मीन और सुल्टी। आप महारानी साहिबा की एंट्री, वो है महारानी अपनी बहन को डांटती हुई। वालेकुम अस्सलाम आंटी, आप कहाँ से आ गई? यहाँ पे यहाँ पे इफ्तार के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ बस बोल दिया तुमने, यहाँ पे सब कोई सजा रहा है और एक दूसरी टेबल है यहाँ पे इफ्तार के लिए, नींबू और कटेगा नींबू, ये सारा सामान सज गया है। और यहाँ पे जो लोग नहीं आएंगे वो इस तरह तशरीफ, वही तशरीफ के लिए जगह भी रखती है। और ये मेरी अम्मी खरबूजा काट, तरबूज कंफ्यूजन हो गया, ठंडी तो रुकी नहीं रही, इतने सारे तल के रह रहे। जवाब को जो पसंद है, जवाब को ये पापड़ बहुत पसंद है। आंटी इतनी मेहनत क्यों पर? तुम्हारे लिए देखो हम माजा मंगा के रखे थे। अरे आंटी बढ़िया बढ़िया, चलो आपने मेरी आज पार्टी कर दी पूरी। बच्चे की तो पार्टी होती है। अच्छे बहाल दिखाओ, ये है इतना ज्यादा रौबजा, रौबजा जो भी कहते हैं समझ। जब बनाना मैं नहीं दुआ मांगू उसको, दे दे। अब लग रहा है ये बच्ची देखो खेल रही है, इधर आओ।
इधर देखो, घर वालों भी सोचने इधर। हाँ घर घर वाले देखो ये लोग कितना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ज्ञान की शादी हो रही है और ये लोग लड़ रहे हैं। घर वाले फिर बोलेंगे लोग लड़ नहीं रहे। सच्चाई यहाँ पे, सच्चाई की मुद्दे की बात हो रही है, सच है वो बात हो रही है। अच्छा सच्चाई की मूर्ति यहाँ पे है तो अपना अनु देवी और मैं जो बोल रही हूँ 100% सच है, ज्ञान के साथ होने वाला है। बड़ा क्या मैडम किससे बात करके आती है फिर आकर बैठती है। प्राची का कॉल था, वो देखो वो लड़का कितना प्यारा है, क्यूट लड़की है, ध्यान से बैठा है इसको कुर्सी पे बैठा। देखो इधर देखो, हम लोगों का यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा था। हम लोग इधर घर पे मैं थोड़ी किसी को, इधर देखो इधर देखो, साथ में रहता हूँ ना, बोल रहा है ना जब साथ में थोड़ी रहा होगा थोड़ा फोन में क्या है क्या पता नहीं, टूथपिक लड़ाई झगड़ा खत्म करो, भूख लगी कि नहीं तुम लोग को, ठीक है ना। ये लोग बैठ के टाइम पास कर रहा है, गेम खेल रहा है भाई उस कमरे में, क्योंकि सारे सो रहे हैं। क्यों सब सो रहे हैं क्या? अब तो पता नहीं जब तो सो रहे हैं। तो तुम बाथरूम के यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? वो बेचारा शौचालय का देखभाल कर रहा है, बॉडीगार्ड बन के बेचारा शौचालय में कोई घुस तो नहीं रहा बेचारा। अभी बाथरूम में से आवाज आया, 5 रूपए 1 नंबर के, 20 रूपए 2 नंबर के। और यहाँ पे खाना आ चुका है, ये रोटी है, अब ये देखते हैं कब तक खाना निकलता है। हाँ मकासा का आज बाल पूरा ये हुआ है, गंजा हुआ है। मकासा नमाज पढ़ रहा है। मकासा टिमसी उधर मुंह करके क्यों बैठी हुई हो? टिमसी तो बाल कटाने के डर से इतना तेज भागी और छुपी, 4 घंटा के बाद निकली है स्टोर में। बच्चा तो करा लिया तो यहाँ पे स्वीटी का चाय आ गया है। लो स्वीटी, स्वीटी पागल हो गई अब गाइस। शॉपिंग सबसे घटिया और गंदी चीज है शॉपिंग, मुझे शॉपिंग कल के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं, कल तो लोग को याद ही नहीं, कल इतना एंजॉय कि भाई मेरी याददाश्त चली गई है ईद की शॉपिंग में। मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बता देना। कल का बताओ, कल इतना एंजॉय हुआ कि ब्लॉग बना रही है। कल बहुत ज्यादा अच्छा लगा इफ्तार पार्टी, मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट पार्टी थी हम लोग, है ना, अलग लग रहा था। मजा की चक्कर में ब्लॉग ही बनाना भूल जाते थे। इफ्तार पार्टी का बर्थडे पार्टी ज्यादा लग रहा था, बर्थडे पार्टी से ज्यादा मजा आया, ज्यादा मजा आया। सब लोग बिजी थे, सब लोग बात नहीं एंजॉय, कितना एंजॉय बहुत हुआ। सुबह के हम लोग 6 बजे तक हम लोग सारे जिंदा वो बने हुए थे, बिल्कुल बात ना फिरना, पता नहीं इतना बात कहाँ से आ गया था। बात तो हम लोग 4 आदमी उधर बैठ के बात कर रहे हैं, 4 इधर बात कर रहे हैं, लग रहा था कि पता नहीं हर जगह सबका एक एक ग्रुप बना हुआ है। इसी इसमें ना ब्लॉग ही बनाना हम लोग कम से कम बनाया। इस बार हम लोगों ने पता है रमजान में ये किया कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो रमजान में करते वो किया, और ब्लॉग और हम लोगों ने कॉन्टेंट भी बहुत ही कम बनाया कि नहीं भाई रमजान 1 महीने में 1 बार आता उसको जियो यार। बहुत मजा आया इस बार, बस अभी लास्ट टाइम पे आके बहुत काम पड़ गया। अल्लाह इसी तरह रमजान हम लोग का हमेशा रखे। रमजान में भाई सब लोग अपने काम धंधे को छोड़ो, रमजान में लगो बस इबादत करो, क्योंकि हम लोगों अभी हम लोग पता है 1 हफ्ते से हम लोग थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया हम लोग का 7-8, लेकिन फिर भी जो इबादत का दिन जो ये लैलतुल कद्र होता है तो अब जल्दी आ जाती हो तुम लोग, फिर रात में हम लोग। वही तो गाइस मेरी आज हालत खराब है, उल्टी उल्टी सा हो रहा है बिल्कुल। और पता है आंखें, पता है एक टाइम पे मेरा ना बाहर आंख, एक आंख में इतना दर्द हो रहा था कि आंख बंद हो रहा था अपने आप। ये मेहनत तो करे, शूटिंग भी साथ में, शॉपिंग भी साथ में, हम दोनों की हालत खराब है। ये मैडम की भी हालत खराब है, बिचारी का तो आज ही ड्रेस मिला। पर गाइस आपको शक्ल से नहीं दिखता होगा, हम लोग मतलब हम लोग हर वक्त पूरे टाइम ऐसे बिल्कुल हंसते रहते, स्माइल मजे करते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से हालत सबकी बैंड बजी रहती है अंदर से। अब अभी आपको मैं बता दूं, सही बात, हम मेरे को भी लगता है कि अब अभी बता दूं मैं आपको कि हम लोग दिन से निकले हुए अभी आए हैं। पापा पता है, पापा 10 बार पूछ चुके हैं कि कितने बजे आएगी, कितने बजे। 10:45 पे आए हम लोग, अभी 11 बज रहे हैं, अभी एक शूट मुझे करना है, मेकअप ना रिमूव करना है, फिर करना है मेकअप, और वो हो गया। उसके बाद फिर मुझे अपने ब्लॉग को कंप्लीट करना है, ब्लॉग को मुझे खुद ही एडिट करना है, खुद ही ब्लॉग ही एडिट करना है, कल ही डालना है, कैसे भी कर कल पूरे दिन फिर शूट करना है, और कल रात को ही एडिट करके परसों वीडियो में आने वाली। ओ माय गॉड, क्या मेरा काम अभी ये है कि समरीन के साथ शूट करना है, दूसरा काम मेरा ये है कि समरीन की एक वीडियो एडिट करनी है, तीसरा काम ये है कि मुझे अपना व्लॉग एडिट करना है, चौथा काम ये है कि मेरे पास अपनी एक और वीडियो वो एडिट करनी, क्योंकि परसों वीडियो डलेगी। काम देख रहे हो, और ये अभी पूरी रात चाय पीजिए आप, और ये अभी पूरी रात में करना है इतना। प्लीज हम लोग के लिए दुआ करो, अल्लाह हिम्मत दे, काम करे। हाँ अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह हिम्मत, अल्लाह हमें आ रहा है ये काम है, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, डट के रहना चाहिए। सबसे पहले काम, सुनो, और ये जो काम हम करते हैं इस काम में ही हमें
मजा आता है इसलिए हम करते हैं। और परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सारा काम खुद करते हैं कभी कभी, तो इसलिए कोई टीम नहीं है, हम लोग सारा काम खुद से करते हैं अपना। हाँ इसलिए तो चलो गाइस, पता है काम भी होना चाहिए यार, अगर आपके पास काम नहीं है ना तो आप नल्ले हो इसका मतलब, इसलिए काम भी होना जरूरी। अगर मेरे पास काम नहीं रहे ना, अगर समरीन और हम दोनों एक दिन चलो रेस्ट कर लेते, दो दिन तीन दिन अगर रेस्ट कर लेते ना, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों नल्ले बेरोजगार है, फिर एहसास होने लगता है भाई हम लोग काम नहीं कर रहे यार, ये होता। तो चलो गाइस अभी के लिए आपको यहीं पे ब्लॉग खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, चांदरात ब्लॉग देखने को मिलेगा, तब तक के लिए बाय। Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit